while preparing mixture of tea, 2% tea is lost. In what ratio a trader should mix two kinds of tea costing Rs 60 per kg and Rs 45 per kg respectively, so that he might gain 25% on selling the mixed tea at 62.5 per kg. देखो, कभी-कभी profit और loss से better होता है no profit और no loss. ठीक है, यहाँ पे 62.50 पे कितना परसेंट प्रॉफिट था? 20% का प्रॉफिट था. इट मींस ये जो प्राइस है वो 125% होगा सीपी का. तो ओरिजिनल सीपी कितना होगा? सिंपली आप देखोगे 62.50 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 125. जो गिवन था वहां से जाना है आपको 100 तक. तो ये वैल्यू आ जाएगा 6250 डिवाइडेड बाई 125. ये 125 से 625 टाइम्स और जीरो, तो ये 50 आ गया. इट मींस 50 रुपीज पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है. नाउ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2% लॉस्ट हो गया है. तो अज्यूम कर लो कि 60 रुपीज वाला क्वांटिटी कितना था? एक था. और 45 रुपीज वाला क्वांटिटी कितना था? वो था वाई. तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा क्वांटिटी का? सिंपली अगर लोग देखोगे तो लागत कॉस्ट कितना होगा? सिंपली 60x लिखोगे और प्लस क्या लिखोगे? 45y. एज सिंपल एज दैट. डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2% लॉस्ट है. तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हुआ? x प्लस वाई. सो नो, और इसका अगर आप 2% लॉस कर दोगे तो बचेगा कितना? वो 0.98 का फैक्टर आ जाएगा. हाँ या ना? और इसको यदि आप 50 के रुपीज से बेच रहे हो तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है. इट मींस अगर आप इसमें 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल जो लागत था, जो कॉस्टिंग था, वही आ जाएगा. और वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था 60x प्लस 45y के. हाँ या ना? मैंने यहां पे क्या किया है, जो भी और प्रॉफिट और लॉस था उसको केस को ही खत्म कर दिया है. सिंपली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था कॉस्ट और ये जो कॉस्ट था उसी को इक्वेट कर दिया है. सी सो नो. तो यहां से आप क्या लिखोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आप 98 बाई 100 कर दो. इंटू क्या लिखोगे? 50. इंटू क्या लिखोगे? x प्लस वाई. और यही इक्वल होगा 60x के और प्लस 45y के. 50 से ये 2 और 2 से ये 49. तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा? 49x प्लस 49y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 60x और प्लस 45y. x को एक तरफ ले लो तो इसको अगर आप राइट साइड में ले जाओगे तो क्या लिखोगे? 60x माइनस 49x. y को इधर ले लो तो फुट क्या लिखोगे आप अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लाते हो तो 49y माइनस 45y. तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ से 4y और यहाँ से मिल जाएगा आपको 11x. तो आपसे पूछ रहा था कि 60 और 45 के किस रेशियो में, तो आपने x किसके लिया था? 60 के लिए. तो यहाँ से xy का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4/11. सी सुनो, सो यही 4/11 आपका क्या होगा? आंसर होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन.